गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स एग्जाम क्लास 12 में फाइनल एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। क्लियर है? ये रख दिया आपके सामने आईएससी 2012 में आया हुआ रिटायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अमित पवन एंड सुरेश आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1। ये ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है। सुरेश रिटायर हो जाएगा 1 अप्रैल को। रिटायरमेंट के वक्त में गुडविल का वैल्यू हुआ 36,000। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है, बांट लिया जाएगा। पीएल अकाउंट में लॉस है, ये भी बटेगा। यहाँ देखिए 48,000 ईच इन द जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। प्रेजेंट सिलेबस से जेएलपी को ही एक्सक्लूड करा दिया गया है। इट वाज डिसाइडेड दैट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वुड बी सरेंडर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कुछ नहीं, सरेंडर करने से ये 48,000 रिसीव हो जाएगा और जेएलपी रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ऑन द डेट ऑफ सुरेश रिटायरमेंट। नॉर्मल एक एंट्री गुडविल का होगा, जनरल रिजर्व का एक, पीएल का एक, तीन। यहाँ पैसा रिसीव करेंगे, जेएलपी रिजर्व आ जाएंगे। 5-6 एंट्री का क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। गुडविल का एंट्री करना है तो सबसे पहले हमको एक वर्किंग करना होगा रेशियो का। ओल्ड रेशियो था 2:3:1। न्यू रेशियो रिटायर हुआ है आपका सुरेश, और सुरेश पार्टनर नंबर 3 है, तो न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो न्यू रेशियो सुरेश रिटायर कर जाएगा। गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अमित और पवन का कैलकुलेट करेंगे। अमित का न्यू रेशियो 2:5 माइनस 2:6 30, दैट इज 2:30। पवन का 3:5 माइनस 3:6 30, दैट इज 3:30। Therefore, gaining ratio 2:3। Suresh share of goodwill, गुडविल का वैल्यू दे रखा था 36,000, उसमें सुरेश है 1:6 6,000। ये 6,000 गुडविल सुरेश को क्रेडिट करेंगे, अमित और पवन को डेबिट करेंगे इन द रेशियो 2:3। दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो अमित कैपिटल डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट इन द नेम ऑफ गुडविल। सुरेश को 6,000 क्रेडिट किया जाएगा और वो पैसा अमित और पवन के बीच में 2:3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, नरेशन देते हैं। बिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल पास्ट। तो गुडविल में रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल के लिए 6,000 मिलने वाला है, वो पैसा अमित एंड पवन से डेबिट हो जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो 2:3। इसके अलावा बैलेंस शीट में रिजर्व है 1,20,000, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, पवन कैपिटल और सुरेश कैपिटल। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आपका 120,000 है, तो 120 को ओल्ड रेशियो 231 दैट इज 40,000, 60,000, 20,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में था, पीएल अकाउंट लॉस के रूप में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है आपका 48,000, तो तीनों कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट देते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16,000, 24,000, 8,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप एक बार इतना देख लो, ओल्ड रेशियो 231 था, सुरेश का रिटायरमेंट हुआ, सुरेश इज लास्ट पार्टनर, तो न्यू रेशियो 2:3 बच गया। गुडविल देखिए 36,000 है, उसका 16,000 गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। जनरल रिजर्व देखिए 1,20,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पीएल 48 है, लॉस के रूप में डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसको उल्टा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये नया जेएल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड करा दिया गया, फिर भी 48,000 का जेएलपी था और जेएलपी रिजर्व था, डिसाइड किया गया कि जेएलपी को सरेंडर कर दिया जाए। सरेंडर कर दिया जाएगा तो यहाँ 48,000 रिसीव्ड हो जाएगा और जेएलपी रिजर्व प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो चलिए रोमन 3 का एंट्री कर देते हैं, जेएलपी सरेंडर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड। ओके, अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 48 है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू अमित कैपिटल अकाउंट, पवन कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। 48 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट है 16,24,8 बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो ये हो गया रिटायरमेंट। सबसे पहले गुडविल का नेट एडजस्टमेंट एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर डेविड टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो कर दिए। जनरल लीजर प्रॉफिट के रूप में था, बांट दिए। पीएल लॉस के रूप में था, उसको भी बांट दिए। जेएलपी सरेंडर करके पैसा विड्रीव कर लिए और जेएलपी रिजर्व फ्री हो गया, उसको रेशियो में बांट दिए। इतना ही ट्रांजैक्शन दिया था जिसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दिए। ये क्वेश्चन आईएससी 12 में आया हुआ है, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।